नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टुडे 24 न्यूज पर। मैं आप सभी के साथ महक शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। उत्तराखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ से जुड़ी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को एक समय में विभिन्न कार्य सौंपे जाने के विरोध में तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी अपने विभाग के कार्यों के अलावा निर्वाचन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु घर घर में सर्व के कार्य में लगा दी गई है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों पर विभागीय कार्य का अत्यधिक भार है, जिसमें PMMVY योजना के अंतर्गत प्रथम गर्भवती के साथ ही नए आदेशों के अनुसार अब दूसरी बालिका को जन्म देने वाली महिलाओं के भी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। नंदा गौरा योजना में लगने वाले प्रमाण पत्र बालिकाओं द्वारा तैयार करवाए जा रहे हैं। पोषण ट्रैकर में डाटा फीड करना, आधार एरर और आधार वेरिफिकेशन, बच्चों का वजन, स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम, टीकाकरण, मोद भराई, अन्नप्राशन के कार्यों के साथ साथ अधिकांश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निर्वाचन में BLO कर कार्य भी कर रही है, जिसके कारण उपायुक्त डेंगू नियंत्रण रोकथाम के कार्य को करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि डेंगू के लिए लोगों को जागरूक करना, प्रचार प्रसार करने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अतिरिक्त कार्य जैसे घर घर जाकर सर्वे, सघन डेंगू लार्वा सर्व सोर्स रिडक्शन एवं नियंत्रण हेतु लार्विसाइड का छिड़काव, फॉकिंग का कार्य, चालान काटना एवं सूचना आदि कार्य करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य को देखते हुए इन पर अधिकतम कार्य उन पर न लदा जाए। अधिकतम कार्य की वजह से महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो रहा है। महिलाओं पर परिवार की भी जिम्मेदारी होती है। अधिक कार्य के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कहा कि अगर अत्यंत आवश्यक हो अन्य विभाग के कार्य करना तो जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अन्य विभाग का कार्य करती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।